हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। बढ़ेंगे, बात करेंगे सरकार और किसान नेताओं के बीच हुई बैठक की। कल ये बैठक कुछ हद तक सकारात्मक साबित हुई है। जी हां, सातवें दौर की बैठक कल किसान और सरकार के बीच हुई है। किसानों के चार प्रस्ताव में से दो पर सहमति भी बन गई। सातवें दौर की बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि पर्यावरण अध्यादेश पर रजामंदी हो गई है, ऐसे में अब पराली जलाना जुर्म नहीं है। साथ ही बिजली बिल का मसला भी सुलझ गया है। जिन दो मुद्दों पर रजामंदी नहीं हुई है वो तीनों कृषि कानून की वापसी और MSP है। इन दोनों मुद्दों पर 4 जनवरी को फिर वार्ता होगी, तब तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि पहले की तरह इस बार भी बातचीत का वातावरण अच्छा रहा। किसानों के साथ हुई मीटिंग पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि किसानों ने 4 प्रस्ताव हमारे सामने रखे थे, जिसमें से 2 पर सहमति बन गई। एमएसपी पर कानून को लेकर चर्चा जारी है। तोमर ने कहा कि हम एमएसपी पर लिखित आश्वासन देने के लिए तैयार हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों के लिए सम्मान और संवेदना है, उम्मीद है कि किसान और सरकार में सहमति बनेगी। कृषि मंत्री ने कड़ाके की ठंड में आंदोलन कर रहे बुजुर्गों, बच्चों और महिलाओं के बारे में कहा कि वो आंदोलनकारियों से अनुरोध करते हैं कि बुजुर्गों, बच्चों और महिलाओं को घर भेज दें। आज की बैठक पूर्व की तरह बहुत अच्छे वातावरण में, सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई। आज की बैठक मैं किसान यूनियन के नेताओं ने जो 4 विषय चर्चा के लिए रखे थे, उनमें 2 विषयों पर आपसी रजामंदी सरकार और यूनियन के बीच में हो गई है। पहला, जो एनवायरनमेंट से संबंधित ऑर्डिनेंस है उसमें पराली और किसान सम्मिलित हैं, उनकी शंका थी कि किसान को इसमें नहीं होना चाहिए। सरकार ने कहा है कि हम आपकी चिंता से वाकिफ हैं और इस मामले में दोनों पक्षों में रजामंदी हो गई है। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो अभी आया नहीं है, लेकिन उन सबको लगता है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी में ये रिफॉर्म आएगा तो इससे किसानों को नुकसान होगा। किसानों की सिंचाई के लिए जो विद्युत की सब्सिडी दी जाती है वो राज्य जिस प्रकार से पहले से देते रहे हैं वैसी ही चलनी चाहिए, ऐसी यूनियंस की मांग थी। उस मांग पर भी यूनियन और सरकार के बीच में रजामंदी हो गई। जब हमने प्रस्ताव दिए थे उस समय भी हमने ये कहा था कि MSP जारी रहेगी, ये लिखित में सरकार देने को तैयार है, हम उस पर अभी भी दृढ़ हैं। लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि MSP को कानूनी दर्जा मिलना चाहिए, तो कानून के विषय में और MSP के विषय में चर्चा अभी पूर्ण नहीं हुई है, चर्चा जारी है और हम लोग 4 तारीख को 2 बजे फिर से इकट्ठा होंगे और इन विषयों पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।